अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ टीचर निपा नूर। आज का हमारा लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे। आपको जो लेक्चर दिए गए हैं या आपके सिलेबस में जो भी है उसके मुतालिक आज हम रिवीजन करेंगे अपने लेक्चर की। स्टार्ट करते हैं पेज से, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे हमारा क्वेश्चन है एडिशन के। एडिशन के 3 क्वेश्चन हैं, यानी 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसको हमने ऐड करना है। फर्स्ट है ये 14 + 309 + 108। यानी राइट साइड से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी 4 + 9 + 8 4 + 9 13 13 + 8 21। 1 नीचे लिखेंगे, 2 पर कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4। आंसर है इसका 4 13। नेक्स्ट है हमारा 427 + 49 + 209। 7 + 9 16 16 + 9 25 25 का 5 नीचे लिखेंगे, 2 पर कैरी, 2 + 2 4 4 + 4 8। आंसर 8। नेक्स्ट है 4 + 2 6। आंसर है इसका 6 = 85। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 336 + 26 + 118। 6 + 6 12 12 + 8 20। 0 नीचे, 2 पर कैरी, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 1 8। 3 + 1 4। आंसर है इसका 480। बाकी क्वेश्चंस आपने अच्छे से खुद सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके पेपर सॉल्व करते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना आए। नेक्स्ट करेंगे पेज नंबर 43 एडिशन के क्वेश्चन। क्या है 96 66 + 94। 66 को ऐड करेंगे हम 94 में। 6 + 4 10। 0 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 6 + 9 6 + 1 7 7 + 9 16। आंसर है इसका 16। जब हमारे पास लास्ट वैल्यू में 2 डिजिट वैल्यू आती हैं तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं होती जिससे हम कैरी दे सकें। तो आंसर है इसका 160। नेक्स्ट है 49 + 73। 49 को हम ऐड करेंगे 73 में। 9 + 3 12 12 का 2 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 4 + 1 5 5 + 7 12। आंसर है इसका 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 + 47। 55 को ऐड करेंगे हम 47 में। 5 + 7 12 12 का 2 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 5 + 1 6 6 + 4 10। आंसर है इसका 102। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 87 + 59। 87 को हम ऐड करेंगे 59 में। 7 + 9 16। 16 का 6 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 8 + 1 9 9 + 5 14। आंसर है 146। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 + 80 + 59। 95 को हम ऐड करेंगे 59 में। 5 + 9 14। 4 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 9 + 1 10 10 + 5 15। 15 का 5 नीचे, 15 एज इट इज, क्योंकि नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है जिसपे हम कैरी दे सकें। तो आंसर है इसका 154। नेक्स्ट 38 + 82। 38 में हम ऐड करेंगे 32 को। 8 + 2 10। 10 का 0 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 3 + 8 11 11 + 1 12। आंसर है इसका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 + 64। 79 को हम ऐड करेंगे 64 में। 9 + 4 13। 3 नीचे, 1 ऊपर कैरी, 7 + 1 8 8 + 6 14। 143 आंसर है इसका। स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, एडिशन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखना और इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 46 है। 538 - 53।
थ्री, 538 में से हमने 53 को सब्ट्रैक्ट करना है। राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। 8 माइनस 3, 5, 3 माइनस 5, 3 में से 5 माइनस नहीं होता क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है। क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 13 माइनस 5, 13 में से 5 जब माइनस करेंगे तो क्या आता है, 8। नेक्स्ट पे क्या बचा था हमारे पास, जिसमें से हमने कैरी लिया था, 5 में से 1 कैरी ले लिया तो क्या बचा है यहाँ पे, 4। आंसर है 485। नेक्स्ट क्वेश्चन, 427 माइनस 65। 427 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 को। क्या है, 77 माइनस 5, 7 में से 5 माइनस किया, 2, 2 माइनस 6, 2 में से 6 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 12 माइनस 6, 12 में से 6 माइनस किया, 6, 3 एज इट इज नीचे। आंसर है इसका 362। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 345 माइनस 54। 345 में हमने माइनस किया 54 को, 5 माइनस 4, 1, 4 माइनस 5, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे नेक्स्ट वैल्यू से। 14 माइनस 5, 9, 2 एज इट इज नीचे। आंसर है इसका 291। नेक्स्ट वैल्यू है 109 माइनस 57। 109 में से हमने माइनस करना है 57 को, 9 माइनस 7, 2, 0 माइनस 5, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, क्या करेंगे, 1 से कैरी लिया। 10 माइनस 5, 5, आंसर है इसका 52। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, 727 माइनस 234। 7 माइनस 4, 3, 2 माइनस 3, 2 में से 3 माइनस नहीं होता, क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी दिया। 12 माइनस 3, 9, 6 माइनस 2, 4, आंसर है 493। नेक्स्ट क्वेश्चन, 546 माइनस 175। 546 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 175 में से। 6 माइनस 5, 1, 4 माइनस 7, 4 में से 7 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लिया। 14 माइनस 7, 7, 4 माइनस 1, 3। तो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस आपने बाकी खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 48। क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द प्रीवियस पेज फॉलोइंग टाइगर स्टेप टू कंप्लीट दिस। हमने जो पिछले वाले पेज पे क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं, सेम एज इट इज़ ये वाले पेज पे भी हम सबको सॉल्व करेंगे। क्या है ये, 275 माइनस 87। 275 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 87 को, 5 माइनस 7, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी दिया। 15 माइनस 7, 8, जो 7 में से जो हमने कैरी दिया था वो 7 क्या बन गया था, 6। 6 माइनस 8, 6 में से 8 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लिया। 16 माइनस 8, 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर है 188। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, 342 माइनस 64। 342 में से हम माइनस करेंगे 64 को, 2 माइनस 4, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, 12 माइनस 4, 8, 3 माइनस 6, 3 में से 6 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लिया। 13 माइनस 6, 7, 2 एज इट इज़ नीचे, आंसर है 278। नेक्स्ट है हमारा 151 माइनस 75। 151 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 75 को, 1 माइनस 5, 1 में से 5 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 11 माइनस 5, 6, 4 माइनस 7, 4 में से 7 माइनस नहीं होता, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 14 माइनस 7, 7, 1 के से हमने कैरी ले लिया था वो 0 बन गया था, 0 एज इट इज़ नीचे। वो अगर हम स्टार्टिंग में 0 नहीं भी लिखते तो हमारे क्वेश्चन पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। आंसर है इसका 76। तो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं और इनको सॉल्व करते हुए है ध्यान रखना है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके क्वेश्चन गलत सॉल्व ना हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 51। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 362 प्लस 417,
362 को हम ऐड करेंगे 417 में. 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 4 7. आंसर है 779. नेक्स्ट क्वेश्चन 738 प्लस 119. 738 में हम ऐड करेंगे 119 को. 8 प्लस 9 7, 17, 17 का 7 नीचे, 1 ऊपर कैरी. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 1 8. आंसर है इसका 857. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं. अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 484 माइनस 362. 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1. आंसर है 122. नेक्स्ट है 592 माइनस 156. 592 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 156 को. 2 माइनस 6, 2 में से 6 माइनस नहीं होता. क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लिया. 9 में से 9 जो है वो 8 में कन्वर्ट हो गया और 2 जो है वो 12 में कन्वर्ट हो गया. 12 माइनस 6, 6. 8 माइनस 5, 3. 5 माइनस 4, 1. आंसर है 436. बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन का पेज है. फर्स्ट है हमारा 26 मल्टीप्लाई बाय 4. 26 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ. राइट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे, ये कैरी वाले क्वेश्चन है. 4 का टेबल हम पहले 6 तक पढ़ेंगे. 4 6 का 24. 24 का 4 नीचे लिखेंगे. जब हमारे पास 2 डिजिट्स वैल्यू आती हैं, हम क्या करते हैं, राइट साइड वाली वैल्यू को आंसर में लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी दे देते हैं. 5 6 4 6 का 24. 4 नीचे, 2 ऊपर कैरी. 4 2 ज़ा 8. 8 में जो हमने कैरी दिया था उसको ऐड करेंगे. 4 2 ज़ा 8. 8 प्लस 2 10. आंसर है इसका 104. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई बाय 4. 17 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ. 4 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे. 4 7 का 28. 8 नीचे लिखेंगे. 2 ऊपर कैरी. 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6. आंसर है इसका 68. नेक्स्ट है 18 मल्टीप्लाई बाय 3. 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ. 3 8 ज़ा 24. 4 नीचे, 2 ऊपर कैरी. 3 1 ज़ा 3 जो कैरी दी है 2 उसको हम ऐड करेंगे. 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5. आंसर है इसका 54. नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 7. 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ. 7 5 ज़ा 35. 5 नीचे, 3 ऊपर कैरी. 7 2 ज़ा 14. 14 में 3 ऐड किया 17. आंसर है इसका 175. नेक्स्ट 28 मल्टीप्लाई बाय 2. 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ. 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे. 2 8 ज़ा 16. 6 नीचे, 1 ऊपर कैरी. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. 56 इसका आंसर है. तो स्टूडेंट, आपने बाकी क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करनी है. आपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर सॉल्व करते हुए आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए. मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए आपने सबसे पहले अपने टेबल को अच्छे से रीड करना है, उसकी अच्छे से याद करना है, ताकि आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो. और तो स्टूडेंट, होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी. आपने इस लेक्चर का अच्छे से रिव्यू करना है. रिव्यू करने के बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए या किसी बात की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा. और स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके ऑनलाइन पेपर्स 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. आपके पेपर्स की ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड है. उस टाइम पीरियड के मुताबिक आपने अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है. पेपर जो है आपका 25 MCQs पे बेस करता है. 25 MCQs का आपका पेपर है, जिसके टोटल मार्क्स हैं 50. आपने अपने MCQs को अच्छे से देखना है और उसको सॉल्व करना है. और स्टूडेंट, अगर आपको पेपर के मुतालिक कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछें, या स्कूल ऑफिस आके भी आप रابطہ कर सकते हैं. थैंक यू.